मैनपुरी में पोलिंग बूथ पार्टियां हुई रवाना। 5 विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 1603 मतदान स्थल 2098 पर करेंगे अपना मतदान। बता दें आगामी तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से करने के लिए मैनपुरी के नवीन कृषि मंडी से पोलिंग बूथ पार्टियां अपने अपने बूथ स्थलों के लिए रवाना होने लगी और ये पार्टियां 2098 मतदान स्थलों पर निष्पक्ष रूप से मतदान करेंगी। इन मतदान केंद्रों के माध्यम से 960,722 पुरुष, 42,000 पैच, 426,387 महिला सहित 17,87,147 मतदाता मतदान करेंगे। अगर हम बात मतदान की करें तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने लगने वाले विधानसभा मैनपुरी भोगांव किशनी करहल के अलावा जनपद इटावा के विधानसभा जसवंत नगर के मतदाता 7 मई को मतदान करेंगे। निष्पक्ष रूप से मतदान करने के उद्देश्य भारी मात्रा में पुलिस विभाग के अलावा पैरामिलिट्री की उचित व्यवस्था की है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा मैदान में भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर जयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, बहुजन समाज पार्टी से शिवप्रसाद यादव के अलावा अन्य पार्टियां 5 प्रत्याशी सहित कुल 8 प्रत्याशी हैं। मैनपुरी जनपद की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है और इस गढ़ को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी भारी भरकम प्रयास कर रही है, जिसके चलते मैनपुरी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी मैनपुरी सांसद एवं प्रत्याशी डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है। तो वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव मैदान में है, जो दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। पोलिंग बूथों पर रवाना हो रही पार्टियों को लेकर क्या कुछ कहा उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, तो कितने मतदान बूथ बने हैं और कितने 1646 मतदान बूथ हमारे बने हैं, उन्हीं के सापेक्ष समस्त पार्टियां हमारी तैयार हो गई थी। उसको लेकर 50% हमारा मूव भी कर चुका है अभी वर्तमान में, 50% हमारी पार्टियां रिसीव हो चुकी हैं और CSP पोलिंग पार्टी पूरी करा करके तत्काल उनको भी सामान दिया जा रहा है। अगर अगर बात करें मतदाताओं की, सर पूरे लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता हैं? सर लोकसभा में तो क्या मेरा समझा भाई, चार विधानसभा के हम जोड़े तो 13-88 के ऊपर करीब मतदाता हैं हमारे, और ओवरऑल प्रयास चल रहा है कि लू को लेकर के भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत हमारे मतदाताओं को ना होने पाए, साथ ही पोलिंग पार्टी को भी कोई स्वास्थ्य में दिक्कत ना होने पाए। सर बात करें स्वच्छता व्यवस्था भी, तो कितनी जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, उन बूथों को अलग से चिन्हित कर लिया गया है, साथ में विशेष तौर पर जो संवेदनशीलता हमारी होती है उसके विशेष लिए सुरक्षा के लिए प्रयास तैनात किए गए हैं। पोलिंग पार्टी जिन बसों से जाएंगे उसमें भी साथ में पुलिस रहेगा सुरक्षा कर्मी।